तान्या, ये अच्छा लग रहा है या ये पहनो? त्रिशना दी, आप सुजाता दी को कुछ भी पहना दीजिए, प्यारी ही लगेंगी। वैसे दी, सुजाता दी को कौन सा हेयर स्टाइल दूं? तान्या, तेरे हाथों में जादू है, तू जो भी हेयर स्टाइल बनाएगी अच्छा ही बनाएगी। हाँ, जादू तो है तेरे हाथों में, तभी तो बचपन से लेकर आज तक तान्या ही मुझे तैयार करती है। बस करो। ये लो वो पिंस जो आपने मंगवाई थी। माय माय, कितनी ब्यूटी लग रही है आप। आज तो राघव जी जुग गए, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं लड़का होती ना तो उनको युद्ध करना पड़ता आपको मुझसे जीतने के लिए, जैसे वो पुराने जमाने में होता है ना वैसे। चल चल, मुझे बना मत। चल, मैं बना रही हूँ। हाँ, मैं बना रही हूँ। नसीब, चाहो तो आजमा कर देख लो। अभी भी देर नहीं हुई है जानेमन, छोड़ दो राघव का दामन और थाम लो मेरा हाथ। अब मैं तुझे एक दूंगी खींच के, बोल रही हूँ मैं। तो दो ना, एक नहीं, 1 to 10 किसेस दो। ठहर जा शैतान। अरे दी, मंशा, वो बड़े हो गए लेकिन बचपन अभी तक नहीं गया। चुप, बस कर। बस करो लड़कियों, रुला कर छोड़ोगे। अरे राघव आया नहीं, क्या बात है, फोन करके पूछना। हाँ माँ, अभी देखती। चलो जा, ठीक करो ये। हेलो, कहाँ हो तुम राघव? यहाँ पार्टी शुरू होने वाली है, कुछ देर में मेहमान आने भी शुरू हो जाएंगे, तुम्हें पता है ना? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, बस मेरा एक लास्ट इंटरव्यू बाकी है, उसे खत्म करके मैं सीधा घर आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, तुम ना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखो, सबर का फल हमेशा मीठा होता है, पता है ना तुम्हें? पता है, तुम ही तो हो मेरे सबर का फल, हो ना? अच्छा सुनो ना, आज जल्दी से घर आ जाओ ना, प्लीज। अच्छा सुनो, मुझे अपने बेस्ट विशेस दो, वो ऑफिस आ गया। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हे भगवान, मेरा राघव बहुत संघर्ष कर रहा है, प्लीज उसकी मेहनत जरूर सफल करना। आपका रिज्यूम तो काफी इंप्रेसिव है मिस्टर राघव,
वैसे मैं हैरान हूँ कि आप इतनी ऊंची क्वालिफिकेशन पाने के बावजूद इस मामूली नौकरी के लिए क्यों ट्राई कर रहे हैं? सर आजकल क्वालिफिकेशन को पूछता कौन है, और अगर कोई पूछता भी है तो अब तक मुझे कोई नौकरी मिली जाती। एक मामूली सी नौकरी के लिए मैं दर बदर यूं धक्के ना खाता रहता। लेकिन देखिए, इस जॉब के लिए हम आपको कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। सर मैं समझ सकता हूँ। क्या इन पुलिस ने तो वाकई में वड्डी बड्डी पार्टी थ्रो कर दी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग पार्टी और सजावट के पीछे इतना खर्च करेंगे। हाँ सच्ची, मजाक मजाक में हमें तो बड़ी दावत मिल गई। ये लो मनप्रीत आ गई। वाह जी वाह, कॉलेज ने तो बहुत स्पेंड्स की है ना, क्या प्रिपरेशंस की है ना फंक्शंस की। Thank you.
मुझे लगा कि जानता हूं। चलो बैठो। वेटर, ये लो जूस पियो। अब कैसा फील कर रही हो? राज, एक्चुअली इतना क्राउड देखकर ना मुझे घुटन होने लगी थी, अब मैं ठीक हूं। गुड। तानिया, तू यहां है? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढ लिया। वो सुजाता दी बुला रही है, शायद कुछ काम है, जरा देख लेना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आई। कृष्णा, हाँ? एक मिनट। क्या हुआ राज? कृष्णा, तानिया अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। मैं भी तानिया को लेकर बहुत परेशान हूँ राज। क्या करना चाहिए हमें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? मुझे लगता है अब हमें उसके डॉक्टर से बात करनी होगी। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। मैं कल ही उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ प्लीज। भई आप लोगों ने कुछ खाया पिया कि नहीं? हाँ, तो हम तो जब से आए तब से खा पी कर मजे कर रहे हैं बहन जी। बड़े दिनों बाद अपने मॉल में इतनी बड़ी पार्टी हुई, तो हमारी फिक्र ना कर करो राज। अरे हाँ हाँ, बढ़िया क्यों नहीं होगी पार्टी। दो दो बेटियों के मैरिजेस ना इतने बड़े बड़े घर में किए हमारी कुलराज ने। इतनी क्लेवर है हमारी कुलराज। क्यों भाई, मैं ठीक कह रही है ना? अरे बिल्कुल, आप कभी गलत कह ही नहीं सकती। और ए शानदार पार्टी ना उसी का ही तो नतीजा है। शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है, पर देखिए आप लोग अच्छी तरह से खा पी के जाना, नो डाइटिंग। अरे कुलराज, अरे बड़े दामा जी नहीं दिखाई दे रहे? भाई वो किसी जरूरी काम से गए हैं। क्या नाम है उनका? राघव ना? हाँ। पर वो काम क्या करते हैं? लो भाई, तेरी ना थिंकिंग मिडिल क्लास की रही। अरे करने की क्या जरूरत है राघव को? इतना ऊंचा खानदान है, इतनी दौलत है, काम क्यों करेंगे? I'm so sorry, मंशा। अच्छा ये बताओ कि जाता कहाँ है? मुझे से कुछ बात करनी है। आप उनसे बाद में अकेले में बात कर लेना, ओके? नहीं, मंशा प्लीज मुझे बताओ कि सुजाता कहाँ है? मुझे से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? हमें भी बताइए। ये बात मैं सबसे पहले सुजाता को बताऊं। अभी तो बड़ा सुजाता सुजाता कर रहे थे, अब क्या हुआ? सुजाता, मुझे एक नौकरी मिल गई। सच? कांग्रेचुलेशन।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन नौकरी एक सेल्समैन की है। तो क्या हुआ राघव? सेल्समैन का जॉब है तो क्या हुआ? मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। मैं खुश हूँ कि मेरा पति एक खुद्दार इंसान है। And I'm proud of you. Really, very proud of you. ओ, तो असल में ये औकात है इस रईस जाते दामाद। अरे सुनो, माय गॉड, सो वेरी मिडिल क्लास। आई मीन हर चीज, ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, चॉइस तो अच्छी होनी चाहिए। आइए आइए बहन जी। हेलो जी। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, ओह गॉड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। अरे वाह बहन जी, आपकी रिंग कितनी खूबसूरत है, हीरे की है ना जी? आपकी भी चॉइस बिल्कुल मेरी तरह है, अच्छी। अटेंशन प्लीज। मैंने कहा आज के इस मुबारक मौके पर मेरी भी एक बात सुन लो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर मेरी प्यारी सहेली कुलराज की प्यारी प्यारी बेटी सुजाता और उसके हैंडसम हैंडसम दामाद राघव की शादी की खुशी में जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये मंत्री है किस चक्कर में? लेकिन आप सब लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि आज इस जश्न को मनाने के लिए हमारे पास डबल डबल वजह हो गई है। पूछो कैसे? मुझे कुछ आसार ठीक नहीं लग रहे। वो ऐसे कि अभी कुछ ही देर पहले मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। हमारे नए दामाद जी की नौकरी लग गई है। सेल्समैन की नौकरी।